What's up guys, कैसे हो आप लोग? I am out sitting in the middle of nowhere, bike को park किया है and I thought I'll make a video for you guys. So recently Instagram पे मैंने एक story post करी थी where I asked you guys के मुझे tiger से related जो भी question पूछने हैं पूछो and बहुत सारे questions जो मेरे पास आए थे were related to के how to get your bike touring ready. So I thought why not make a video where I talk about the accessories that I've put on my bike to make it more suitable for touring. These accessories are not specific to the Tiger. All these accessories are pretty generic. You can get them for your specific bike models, be it a 200cc bike or be it a 1000cc bike. So let's get started. I think जब हम touring की बात करते हैं तो सब लोगों के दिमाग में first चीज़ जो आती है ना, चाहे वो एक new biker हो या एक seasoned biker हो, is taking your bike to the mountains. And by mountains, most of us often mean going to Ladakh, Spiti and all those terrains. तो अगर आपकी कोई भी bike हो, अगर आपको उस bike पे tour करना है, तो आई थिंक फर्स्ट चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है बाइक की प्रोटेक्शन. तो उसके लिए मैंने अपनी टाइगर पे दो चीज़ें लगवाई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आई थिंक आप सब लोगों को भी अपनी बाइक पे वो दोनों चीज़ें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आपने बाइक नई ली है सबसे पहले उन पे पैसे खर्च करो अगर आपको अपनी बाइक पे टूर करना है. जो पहली चीज़ है वो है इंजन गार्ड, टैंक गार्ड, फेयरिंग प्रोटेक्टर, जो मर्जी उसको आप कह लो, बट मोटा मोटा उस चीज़ को आपकी बाइक को गिरते समय डैमेज होने से बचाना है. सो उसके लिए कई बाइक्स में दो गार्ड्स की ज़रूरत होती है, कई बाइक में एक सिंगल गार्ड की ज़रूरत होती है. सो मैंने अपनी बाइक में ये जाना का क्रैश गार्ड लगाया हुआ है. इसका रोल ये है कि टाइगर की जो फेयरिंग है जब बाइक गिरती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं ये आई थिंक फॉल्स के हैं जिन पे थोड़ा सा रब हुई है ये जगह से बाइक. अगर मैं आपको दूसरी साइड पर दिखाऊँ जिस साइड पर आई थिंक ज़्यादा मेजर फॉल्स हुई है मेरी, अगर आपने मेरा सच पास वाला वीडियो देखा हो तो ये देखो ये जो पूरा स्क्रैच लगा है ये अगर टैंक गार्ड नहीं होता तो पूरा फेयरिंग पे लगता. एज आई टोल्ड यू कि कई बाइक्स में दो गार्ड्स आते हैं, सो दिस वन इज़ अ इंजन प्रोटेक्टर. ये ट्रायम्फ की टाइगर 800 बाइक में ऑलरेडी लगा हुआ आता है तो ये मेरे पास था. सो दीज टू गार्ड्स कम्बाइंड गिव मी सॉलिड प्रोटेक्शन. बट एक बात बताऊं, इन दोनों गार्ड्स के लगाने के बाद भी मेरी बाइक में एक और चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं लगाई है, मेरे को मिल नहीं रही है वो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड इट, दैट इज़ एन इंजन केसिंग प्रोटेक्टर. सो अगर आपने मेरा लेक में गई बाइक वाला वीडियो देखा है ना, जो अरावरी ट्रेल्स में एक्सपल्स पानी में चली गई थी और मेरी बाइक भी क्रैश हुई थी, सो ये जो टाइगर के इंजन की जो केसिंग है इस पर पत्थर लग गया था, मैं अपनी बाइक को ऑफ रोड कर रहा था और ये रप्चर हो गई थी यहाँ से. सो ये पूरी केसिंग अबाउट 8-9,000 की आई थी, पूरा इंजन ऑयल लीक हो गया था बाहर, बट थैंकफुली इंश्योरेंस में सब कवर्ड था. बट इसके लिए भी यहाँ पे केस आता है जो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टोन्स का बचाता है. टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ये जो जाना का क्रैश गार्ड आप देख रहे हो, दिस कॉस्टेड मी अबाउट 8,000 रुपीज़ जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 2-2.5 साल पहले लगाया था. कई लोग हेपको बेकर का भी लगाते हैं विच इज़ लाइक आई थिंक 18-19,000 रुपी सिर्फ इस गार्ड के. उसके बेनिफिट्स होते होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर क्या होते हैं, बट मैंने ये लगाया था क्योंकि मेरे बजट में यही बैठ रहा था एंड टिल नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन. नॉर्मल टिप ओवर्स, फॉल्स में आपकी बाइक को कोई डैमेज नहीं होता अगर आप इस गार्ड पे इन्वेस्ट करते हो तो. सो ये तो बात हो गई सारी हमारी इंजन केसिंग को बचाने की, इंजन को बचाने की और फेयरिंग को बचाने की बाई चांस अगर बाइक गिरती है तो. बट उसके बाद वॉट यू नीड टू प्रोटेक्ट इज़ योर ब्रेक लीवर एंड द क्लच लीवर. सो इन दोनों को बचाने के लिए आई यूज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज अ बाग बस्टर. टाइगर में बेसिकली ये हैंड गार्ड्स लगे हुए आते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे ये ड्यूक 390 में भी लगे हुए आते हैं. बेसिकली इनका काम ये होता है कि आपके हाथों पे जो कांस्टेंट विंड ब्लास्ट पड़ता है वो नहीं पड़ता, साथ ही साथ जो थोड़े बहुत इंसेक्ट्स होते हैं जब आप हाई स्पीड पे राइड कर रहे होते हैं वो आपके हाथों पे आके ख़त्म नहीं होते, इस विंड गार्ड नकल गार्ड पे आके ख़त्म होते हैं. सो ये तो आई थिंक ड्यूक 390 वगैरह में भी आता है, एक्सपल्स में भी आता है, बट दिस इज़ नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट योर लिवर्स. लिवर्स प्रोटेक्ट करने के लिए एज आई टोल्ड यू आई एम यूजिंग समथिंग फ्रॉम बागबस्टर्स विच इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड. सो जब आपकी बाइक गिरेगी तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली नकल गार्ड्स पे होगा. अब ये नकल गार्ड्स तो प्लास्टिक के हैं, ये टूट के आपके इस गियर लिवर को भी तोड़ सकते हैं, बट ये जो स्पाइन बन जाती है इससे बागबस्टर्स के, दिस एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर क्लच. इमेजिन आप लोग रानस्कार में राइड कर रहे हो, ऑसम लोकेशन, अचानक से आपकी बाइक ट्रिप ओवर होती है और आपका क्लच लीवर टूट जाता है या ब्रेक लीवर टूट जाता है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे? तो इसलिए आप इंजन गार्ड
और फेयरिंग गार्ड वगैरह लगाने के बाद बाइक में सेकंड चीज़ जो आप लगाओ वो है बाग बस्टर्स। इसके थोड़े से सस्ते रिप ऑफ वर्जन्स भी आते हैं, अली एक्सप्रेस पे आते थे, मैंने अपनी वर्सेस में पहले एक लगाया हुआ था। अब बात करते हैं प्राइस की। जो बाग बस्टर का पूरा सेटअप आता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये वाली मेटल स्पाइन होती है जो आपकी गियर लीवर को एक्चुअली बचाती है गिरते समय, और साथ में देर इज़ दीज नकल गार्ड्स, ये भी बाग बस्टर के ब्रांडेड आते हैं। सो इन दोनों का कॉस्ट मिला के अराउंड 12,000 रुपीज़ होता है। आप कोई भी बाइक का लगवाओ 12-13,000 का होगा सेटअप, हिमालयन का मे भी अराउंड 10-11,000 का होगा, बट 10 प्लस तो मान के चलो इसका बजट होता है। मैंने एक्चुअली ट्रायम्फ के जो स्टॉक नकल गार्ड्स हैं उन्हीं को यूज़ करा था, उसी में ही ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिल करवा के बाग बस्टर की स्पाइन लगवा ली थी, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपकी बाइक को एक्चुअली प्रोटेक्ट करेगी। एंड एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बाग बस्टर्स सिर्फ आपकी क्लच लीवर और ब्रेक लीवर को नहीं प्रोटेक्ट करते, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल बाइक को भी बहुत बढ़िया प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपकी बाइक का होता है जब आपकी बाइक गिरती है इज़ द बाग बस्टर्स, एंड उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द इंजन गार्ड। सो बाग बस्टर्स आई थिंक टेक अबाउट 80-90% ऑफ द ब्रंट अगर आपकी बाइक नीचे गिरती है, तो बाग बस्टर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना, एक बार का खर्चा है। मुझे पता है कई लोगों को लगेगा ये 10,000 रुपये का खर्चा महंगा है, बट ट्रस्ट मी इंश्योरेंस में सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। बट अगर आप किसी टूर पे हो, वहाँ पे अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो आपकी राइड वहाँ ख़राब हो जाती है, इंश्योरेंस आपकी आके ब्रेक लीवर और क्लच लीवर को उस जगह पे आके बिल्कुल भी ठीक नहीं करने वाला। सो ये तो बात थी सारे प्रोटेक्शन रिलेटेड एक्सेसरीज़ की। अब हम बात करते हैं कन्वीनियंस रिलेटेड एक्सेसरीज़ की, एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ इंश्योरिंग दैट यू हैव अ चार्जिंग पॉइंट ऑन योर बाइक। लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा रहे हो जहाँ का रास्ता तक नहीं पता, तो आपका फ़ोन ज़रूर चार्ज होना चाहिए। आई नो मोस्ट ऑफ़ यू टेंड टू यूज़ पावर बैंक्स, बट पावर बैंक्स को भी चार्ज करना पड़ जाता है, इसीलिए गेट अ चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल्ड ऑन योर बाइक। मेरी बाइक में तो एक इशू है कि मेरी बाइक में जो चार्जिंग पॉइंट है वो नॉर्मल वाला नहीं आता, डिन पोर्ट आता है, तो मेरे को उसके लिए एक अडैप्टर ख़रीदना पड़ा जो अपने आप में ही शायद एक 1500 रुपये का या 2000 रुपये का अडैप्टर था, जिसके बाद ये नॉर्मल कार के चार्जिंग पॉइंट जैसा बन जाता है। मेरी बाइक में एक नहीं, 3 चार्जिंग पॉइंट्स हैं एंड तीनों डिन है। सो अगर मेरे को तीनों को यूज़ करना है एक टाइम पे, चलो दो तो कभी यूज़ हो सकते हैं अगर मैं किसी पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, दो को यूज़ करना है तो मेरे को 2 डिन अडैप्टर लेने पड़ेंगे जो मैंने आपको दिखाया था अभी। जो फर्स्ट डिन पोर्ट है वो की लगाने की जगह के बिल्कुल साइड में, ये रहा डिन पोर्ट, इसमें हमारा ये वाले भाई साहब इसमें लग जाते हैं और इसके ऊपर चार्जिंग आप कोई भी कार चार्जर लगा सकते हो। सेकंड और थर्ड जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे हैं, ये हमारी जो है पिलियन सीट, पिलियन सीट के जस्ट नीचे ये 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो चार्ज करने के लिए। तो इधर भी USB दे देते यार, बट ट्रायम्फ वालों, UK वालों, तुमने यहाँ भी नहीं दिया। सो गाइज, हमने अभी फ़ोन चार्जिंग के बारे में बात कर ली, तो एक फ़ोन माउंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को अपनी बाइक पे एक फ़ोन माउंट करने का ऑप्शन भी इंस्टॉल करवा लेना चाहिए अगर आपको टूरिंग करनी है तो। आई नो दैट 80-90% ऑफ द फोक्स एंड अप यूजिंग अ एक्स ग्रिप माउंट और अ रैम माउंट, जो लोकल अगर आप लेंगे, नॉर्मल इंडियन ब्रांड का लेंगे तो अबाउट 700-800 रुपीज़ का भी आ जाता है करोल बाग वगैरह से एंड लोकल मार्केट से। बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ अ ब्रांडेड माउंट देन रैम का लेते हैं काफ़ी लोग, विच कॉस्ट अबाउट 4-5,000 रुपीज़, बट इट इज़ वेरी स्टर्डी। बट इवन आफ्टर यूजिंग दिस वेरी स्टर्डी माउंट फॉर ऑलमोस्ट अ गुड 2-2.5 years, मेरा रैम माउंट से विश्वास उठ चुका है। इनफैक्ट फ़ोन को हैंडल बार पे माउंट करने से ही विश्वास उठ चुका है। सो आई विल बी शेयरिंग दैट स्टोरी इन मे बी द नेक्स्ट वीडियो, मेरे साथ क्या हुआ जिसके कारण मैंने अपना फ़ोन माउंट ही करना छोड़ दिया बाइक पे। अब मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता हूँ चार्जिंग पोर्ट से, और तार जाती है सीधे मेरी जैकेट की पॉकेट में, वहाँ फ़ोन पड़ा रहता है। अगर मैं टैंक बैग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टैंक बैग में लगा लेता हूँ फ़ोन को, रख देता हूँ अंदर, नॉट ऑन दैट ट्रांसपेरेंट पॉकेट जो ऊपर प्लास्टिक की बनी होती है ज़िबर वाली, उसके अंदर भी नहीं डालता फ़ोन को, सीधे टैंक बैग के अंदर डाल देता हूँ। गूगल मैप्स ऑन है, हेलमेट ब्लूटूथ के अंदर, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस पता लग जाते हैं, हाईवे पे कोई इतने कॉम्प्लेक्स टर्न्स तो आते नहीं है, मेरा काम चल जाता है। बट इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी और सब्सिक्वेंट वीडियो में बात करेंगे। नेट आपको फ़ोन को रखने की एक जगह चाहिए, अब आप उसको हैंडल बार में माउंट करो या कहीं भी माउंट करो, दैट इज़ अप टू यू। So सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसरीज दैट प्रोवाइड अस एक्स्ट्रा कम्फर्ट वाइल टूरिंग, देन हाउ कैन वी मिस ऑन अ प्रॉपर विंडस्क्रीन। सो टाइगर में जो स्टॉक विंडस्क्रीन आती थी वो मेरी हाइट के हिसाब से परफेक्ट नहीं थी। मेरी जो फर्स्ट राइड थी टाइगर पे वो राजस्थान राइड थी, तब मैंने ये विंडस्क्रीन जो प्यूज की है वो ऑर्डर करी हुई थी, और जो स्टॉक विंडस्क्रीन के साथ राजस्थान की जो ओपन अमेजिंग हाईवेज हैं जिसपे आराम से 130-140 km/h पे बाइक चलती है,
मेरे लिए चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका था क्योंकि सारा विंड ब्लास्ट मेरी चेस्ट पे, मेरी हेलमेट पे, मेरी हेलमेट बार बार पीछे ऐसे हो रही है, गर्दन थक रही थी उस विंड ब्लास्ट को बैटल करते हुए पूरे पूरे दिन, 13-13, 14-14 घंटे आई वॉज राइडिंग द बाइक। सो व्हाट आई वुड से इज, अगर आपकी कोई भी बाइक हो उस पर आप ये ज़रूर ध्यान दो कि विंड ब्लास्ट आपकी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आपके पास एक नेकेड बाइक है उस पर तो कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हो नहीं सकते, बट उस पर विंड ब्लास्ट नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी पूरे अपर बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ चेस्ट पे नहीं लगता या सिर्फ आपके हेलमेट पे नहीं लगता। अगर आपकी टूरिंग बाइक है उसमें विंडस्क्रीन नॉर्मली ऊँची होती है, बट अगर उसकी हाइट एक इरिटेटिंग लेवल पे हो, जिससे इरिटेटिंग लेवल का मतलब मेरा ये है कि जो विंड ब्लास्ट है सिर्फ एक पार्ट ऑफ द बॉडी पे लगे, तो बहुत तेज़ लगता है और आपको थकाता है। जैसे मैं अभी बता रहा था, आपके फेस पे लग रहा है विंड ब्लास्ट, हेलमेट पे लग रहा है, या अपर चेस्ट पे लग रहा है, गर्दन पे लग रहा है, या आपकी हेलमेट की बीक पे विंड ब्लास्ट लग रहा है। जैसे ये एडवेंचर हेलमेट है, इसकी बीक पे लगता है, तो बार बार हेलमेट ऊपर होती है ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, तो आपको अपनी विंडस्क्रीन को चेंज करवाना होगा या अपने विंडस्क्रीन पे एक एक्सटेंडर लगाना होगा। कुछ भी करा के आपकी विंडस्क्रीन की हाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर 12-13 आवर्स बाइक को राइड कर रहे हो तो आपको गर्दन में दर्द ना हो। मैंने कई राइडर्स को देखा है जो सर्वाइकल की पेन जिनको ऑलरेडी होती है और वो राइड करते हैं, वो इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है राइड करने के बाद कि उनसे राइड हो ही नहीं पाती आगे, आगे हैंडल पकड़ने के लिए हाथ नहीं होता। सो कंफर्ट की बात कर रहा हूँ तो विंडस्क्रीन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और सबसे ट्रिकी बात ये होती है विंडस्क्रीन लेने में कि आप अगर उसको सिटी में चलाओगे, थोड़ी देर के लिए चलाओगे बाइक को, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए भी अगर आपने बाइक पे गए संडे राइड के लिए, आपको इतना ज़्यादा नहीं पता लगेगा। बट जो उसका एक्चुअल इफेक्ट होता है विंड ब्लास्ट का, वो आपको तब पता लगता है जब आप लंबी राइड करते हो, दिन में 14 आवर्स 15 आवर्स, सुबह 6 बजे के निकले हो, रात को 11 बजे पहुँच रहे हो डेस्टिनेशन पे, तो उस समय विंड ब्लास्ट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान देना। बहुत सारी आफ्टर मार्केट विंडस्क्रीन्स आती हैं, चाहे कोई भी बाइक हो, मे बी लाइक एन हिमालयन, ड्यूक 390, एक्सटेंडर्स आते हैं विंडस्क्रीन पे लगने वाले, तो यू कैन फाइंड व्हाट फिट्स द बिल फॉर यू एंड जो आपको बेसिकली मैक्सिमम कंफर्ट दे। मेरी जो प्यूज की विंडस्क्रीन थी दैट वाज अराउंड 15,000 रुपीज़, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग जब तक टाइगर है, 5 साल 6 साल जितनी भी मैं चलाऊंगा, प्यूज की विंडस्क्रीन विल बी द वन दैट आई विल बी यूजिंग। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ विंडस्क्रीन, मार्केट में दो टाइप की विंडस्क्रीन आती हैं, एक होती है क्लियर, एक होती है स्मोक्ड, बेसिकली जो डार्क कलर की आती है। सो अगर आप टोरिंग करते हो, अगर आप दिन से रात और इवन रात में काफ़ी टाइम तक चलाते हो बाइक को, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक क्लियर विंडस्क्रीन लो। मैंने अपनी बाइक पे क्लियर विंडस्क्रीन लगाई है, वो डार्क कलर की जो विंडस्क्रीन, ब्लैक आउट विंडस्क्रीन्स जो आती हैं, रात को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती। नेकेड बाइक्स में, छोटी बाइक्स में जिनमें विंडस्क्रीन ही छोटी होती है, आपकी लाइन ऑफ साइट में वो विंडस्क्रीन आ ही नहीं रही, उन बाइक्स में तो आई थिंक यू कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ विंडस्क्रीन। बट ऐसी बाइक्स में जहाँ पे आपकी लाइन ऑफ साइट में विंडस्क्रीन आती है और आपको विंडस्क्रीन के थ्रू भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसमें रात में अगर आपकी विंडस्क्रीन स्मोक्ड होगी तो आपको विजिबिलिटी में बहुत इश्यूज करेगी, काफ़ी ऑब्वियस बात है। बट कई लोग स्टाइल वगैरह के चक्कर में, या उनको ऐसा लगता है कि बड़ी कूल लगती है स्मोक्ड विंडस्क्रीन, वो बड़ी वाली विंडस्क्रीन ना अपनी ADVs में लगा लेते हैं और फिर वो स्ट्रगल करते हैं रात को बाइक चलाने में। सो दैट इज़ माई 2 सेंट्स, रेस्ट यू कैन थिंक वॉट यू नीड। सो द लास्ट एक्सेसरी दैट फिट्स इन टू द कम्फर्ट कैटेगरी इज द हैंडल बार राइजर्स। दिस इज अगेन अ वेरी फिट रिलेटेड डिसीजन इफ यू आर राइडिंग एनी बाइक। आप टोरिंग कर रहे हो, फुल डे राइड कर रहे हो, सो यू वॉन्ट योर राइडिंग पोजिशन टू बी वेरी कम्फर्टेबल। सो जिस तरह से हम बाइक पे बैठते हैं, हमारा एंगल ऑफ द एल्बोज, हमारे शोल्डर पोजिशन, हमारी अपर टॉर्सो की पोजिशन, हमारे पैरों की पोजिशन, दैट इज एसेंशियली कॉल्ड द राइडिंग ज्योमेट्री। तो अपनी राइडिंग ज्योमेट्री को जितना रिलैक्स करके रखेंगे हम, उतना आराम से लंबे समय तक बाइक चलाएंगे। आई नो बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स बाइक पे भी टूरिंग करते हैं और काफ़ी टफ ऐसे बेंट ओवर पोजीशन में, पोस्चर में बाइक चलाते हैं और 14-14, 15-15 घंटे बाइक चला लेते हैं। सल्यूट टू देम, आई कैन नॉट डू दैट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट डू दैट। हैंडल बार राइजर्स इंस्टॉल किए हैं वो हैं रॉक्स के। अगर आप यहाँ पे देखो, ये रॉक्स की ब्रांडिंग आपको दिख रही है, ROX। सो ये जो सिल्वर वाला पार्ट है ये स्टॉक है, इसके ऊपर ये हैंडल बार राइजर्स लग जाते हैं, तो आपका जो हैंडल यहाँ पे होना चाहिए था वो उठ के यहाँ आ जाता है। इतना ऊपर होने से आपकी जो हैंडल की जो रीच होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, बट पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। जो रॉक्स के राइजर्स मैंने लगवाए हैं अपनी टाइगर पे, दे आर फॉर अबाउट 7,000 रुपीज़, अगेन अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग एज द टाइगर इज़ विद मी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन एक्सेसरी डैट कैन रियली हेल्प यू गेट योर सैडल बैग्स इन प्लेस, दैट इज़ द सैडल स्टे। सैडल स्टे क्या होते हैं, ये देखो, ये जो फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे, ये पैनियर
माउंटिंग के लिए लगा हुआ है, जो मेटालिक पैनियर्स लगते हैं टाइगर में टूरिंग सेटअप को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए लगा है, बट दे एक्ट एज सैडल स्टेज फॉर मी। कई बाइक्स में ये अलग से लगवाना पड़ता है। क्यों लगवाना पड़ता है? क्योंकि जब आप अपने सैडल बैग्स को माउंट करते हो वो आपके टायर में जाके टच हो सकते हैं जब वो ऐसे हिलेंगे, तो वो आप नहीं चाहते। उसको प्रिवेंट करने के लिए यू नीड सम सेपरेशन, इसलिए सैडल स्टेज लगते हैं। सो अगर आप सैडल बैग्स यूज़ करते हो तो आपकी बाइक में सैडल स्टेज की ज़रूरत हो सकती है। कई बाइक्स में नहीं होती, क्योंकि जब आप सैडल बैग्स को सीट पे माउंट करते हो तो उधर ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि आपके सैडल बैग्स जाके टायर में टकराएं या चेन कवर में जाके टच हों, जो आप नहीं चाहते जब आप हाई स्पीड राइडिंग कर रहे हो हाईवे पे, क्योंकि सैडल बैग्स थोड़ा बहुत ना हवा में हिलते हैं जब आप राइड करते हो। एंड द लास्ट एक्सेसरी डेट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज ऑक्सिलरी लाइट्स। अब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। अलग अलग टाइप के रूल्स आते हैं इंडिया में कि ऑक्सिलरी लाइट्स अलाउड हैं कि नहीं है, किस इंटेंसिटी की अलाउड है, किस इंटेंसिटी की नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। बट मुझे इतना पता है कि जब आप हाईवे पे चला रहे होते हो सामने से एक ब्लाइंडिंग लाइट आती है, ब्लाइंडिंग लाइट वो गाना नहीं, हाँ वो जो ट्रक्स वाली ब्लाइंडिंग लाइट आती है ना, तो यू नीड दैट एक्स्ट्रा लाइट बियॉन्ड द हेडलाइट। टाइगर की हेडलाइट इज़ क्वाइट गुड एंड आई थिंक जो अब जो न्यू बाइक्स आ रही हैं मे बी 2 लाख से कम वाले सेगमेंट में, उसमें भी एलईडी लाइट्स आती हैं। इसमें एलईडी लाइट्स नहीं है, फिर भी हेडलाइट इसकी ठीक ठाक है। बट इसके साथ ये ऑक्स लाइट्स पहले से माउंटेड आई थी, क्योंकि ये टाइगर 800 का XCA मॉडल है जिसमें इट इज़ फुली लोडेड विद एक्सेसरीज जो बेसिक चाहिए होती हैं, तो लाइट्स उस पैकेज का पार्ट था, इसलिए मुझे लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये लाइट बहुत ही आई वुड से 10 में से मैंने 4 रेट करूंगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली ट्रेल्स वगैरह में या ऑफ रोड्स पे, साइड में थोड़ा सा आपको एजेस दिखा देती हैं रोड के पहाड़ों में। बट ऑक्स लाइट्स आप रूल्स को ध्यान में रख के लेना जो भी लोग हैं। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आजकल, तो आई थिंक चाइनीज़ ऑप्शन एंड इंडियन मेड ऑप्शन भी काफ़ी सारे आ गए हैं, जो ईजिली आपको अराउंड 5-6 thousand में एक अच्छा सेटअप मिल जाएगा, कई तो 2 thousand में भी मिल जाता है। बट ऐसा सेटअप लेना जो आपकी बैटरी पे इम्पैक्ट ना करे, कहीं ऐसा ना हो आप एक ऑक्सिलरी लाइट लगाओ वो ज़्यादा वोल्टेज खींचे, ज़्यादा करंट खींचे, जो भी टर्म्स हैं, और आपकी बैटरी डेड हो जाए, बाइक सेल्फ लेना बंद कर दे। सो ऑक्स लाइट्स लगाओ इन कंप्लायंस विद द रूल्स, उनको कवर करके रखो डे में जब नहीं यूज़ कर रहे लोग। इसके डेडिकेटेड कवर्स भी आते हैं, कई लोग पता नहीं सॉक से भी कवर कर देते हैं लाइट्स को। सो व्हाटएवर इज़ राइट, डू द राइट थिंग। ऑक्स लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ व्हाट आई फील, बट स्टे विद इन द रूल्स एंड यूज़ देम। सो दैट्स इट गाइज, दोज वर द 8 एक्सेसरीज दैट आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट विद यू एंड शेयर विद यू, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि अपनी बाइक को टोरिंग रेडी कैसे करना है। तो आई थॉट इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट एटलीस्ट टोरिंग के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए उनके बारे में मैं फर्स्ट डिस्कस करता हूँ, और मे बी आगे आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा सा और आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। हाँ, बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी नई बाइक ले रहे हो इन चीज़ों में पहले पैसे लगाना और एग्जॉस्ट में बाद में लगाना यार। आई मीन लोग सबसे पहले एग्जॉस्ट चेंज करवा देते हैं, आई फील के पहले यूटिलिटी वाली चीज़ें पूरा करा करो यार। एग्जॉस्ट तो फालतू के तमाशे हैं, ठीक है कई बाइक्स में अच्छा लगता है लोगों को सुनना, बट उसमें भी काफ़ी रूल्स ब्रेक होते हैं, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के एग्जॉस्ट को लास्ट में लेना। पहले इन सब चीज़ों में पैसे खर्च लो जो आपको टोरिंग में रियली हेल्प करेंगी, ये पहाड़ों में जाके शोर मचाना आपको हेल्प नहीं करेगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर कर लेना थोड़ा सा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।